वेलकम टू गेमिंग वर्ल्ड। तो आज हम खेलने वाले हैं डेविल मे क्राई का चैप्टर 5। चलो तो करते हैं शुरू। तो इसमें ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि दांते और लेडी स्नो फील्ड में सील के बारे में कुछ हो गया है, इस बारे में बार के मालिक से पूछने के लिए आए हैं। तभी बार का मालिक कह रहा है कि यह गार्डियन फैमिली के बारे में है, क्योंकि गार्डियन फैमिली एक समय प्रसिद्ध कुलीन परिवार थे। दुर्भाग्य से वह सील बनाए रखने की क्षमता खो चुके हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी मोहर के भीतर मटिल्डा की पवित्र कलाकृतियां छुपी हुई है। तभी दांते कहता है, रोजर इस बात को लेकर चिंतित है कि आप जानते हैं मोहर कहाँ है। तभी बार का मालिक कहता है, वह बच्चा केवल गार्जियन परिवार ही जानता है। सौभाग्य से मेरे पास कुछ सुराग है। तो कुछ दिन पहले उनके परिवार के नेता लोके शहर के बाहर इलाके में शिपयार्ड में दाखिल हुए, और तब से उन्हें नहीं देखा गया। तो दांते और दांते कह रहा है लेडी से कि आप शिपयार्ड की जांच करें और मैं मल्टी आर्टिफैक्ट के बारे में पता करूंगा कि आखिर वो क्या है, उस बारे में पता करूंगा। इसी बारे में यह जर्नी होने वाली है, चैप्टर 5 होने वाला है। तो चलिए हम भी पता लगाते हैं आखिर मटिल्डा आर्टिफैक्ट किस बारे में है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें हम वेरगिल, हमारा एक नया डेविल हंटर वेरगिल को हम इसमें यूज करने वाले हैं। वेरगिल, लेडी और दांते तीनों मिलकर ये बड़े से शटंग नाम के डेविल से फाइट करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। पहले लेडी शूट करेगी, फिर वेरगिल बिना किसी हमले का साउंड के जरिए ही इनका सफाया कर देगा। काइजी गिटार के जरिए हमला कर रहा है। सुपर फाइट। गाइस, और एक मॉन्स्टर आ चुका है। इन सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म करना होगा जल्द ही। इनका अब सफाया कर देंगे हम। और हमारे मिशन को कामयाब बनाएंगे इन सबको खत्म कर। यूहू, मैं जो बातें चल रही है, गिल्ट यहाँ रोजर से मिलने आया है कि गिल्ट में चीजें कैसी है, इस बारे में जानने के लिए। तभी रोजर कह रहा है, चिंता न करें कैप्टन, रेयर ने आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली है, उन्हें बर्फ मिलेगी। यह मामले ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं जांच में आपकी सहायता कर सकता हूँ। तभी दांते कहते हैं, मुझे लोके के बारे में बताओ। रोजर कह रहा है, वह काफी मशहूर है, यहाँ तक कि एक बार वह मेयर पद के लिए भी दौड़े थे। यह सिर्फ कई साल पहले राक्षसों ने गार्जियन परिवार के सदस्यों को मार डाला, केवल कुछ ही जीवित बचे। इस घटना के बाद लोके गायब हो गया। दांते यह कह रहा है, यहाँ उनकी उपस्थिति अनिवार्य कारण से प्रेरित होनी चाहिए। दांते कह रहा है, ठीक है, मैं अंदर की जाँच करूँगा, आप कहीं और देख सकते हैं, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। चलिए जोरदार धमाका। इनसे बचते हुए फाइट करनी है। हाँ,
संगीत बजने में वक्त लगता है तो इनके ऊपर हमला थोड़े देर से हो जाता है, पर हो जाता है। सो जोरदार फाइट, बेरगिल के जरिए, बेरगिल दांते, Hey, young man, are you lost? Nice place you got here. Is there a guy here by the name of Locke? Unique red coat. You must be Dante. I am Locke, and I require your assistance. That's good. So एक अन्य आदमी ने दांते को डेविल से बचाया और दांते कहता है कि आपने यहाँ आकर अच्छा किया। वह अन्य आदमी दांते को लाल कोट देखकर ही पहचान लेता है कि वही दांते होगा। So अब देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। So guys, वो अननोन आदमी कह रहा है कि शिपयार्ड में एक पागल आदमी है, वह उसकी बेटी को ले गया है। तो दांते कह रहा है आखिर वो पागल आदमी को, तो अननोन आदमी कह रहा है उसका नाम फ्रैंक है, वह मेरा भाई है। अच्छा, तो उसका भाई है और कुछ साल पहले ही त्रासदी ने फ्रैंक को पागल कर दिया था। उसने सारा दोष उसकी बेटी पर, फे पर डाल दिया है, यही कारण है। सो दांते कह रहा है ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है ताकि मैं काइल्ड आत्मा को ढूंढने में मेरी मदद कर सकूं। सील, मुझे यह सुनने की उम्मीद नहीं थी, ऐसा वह अननोन आदमी कहता है। तो क्या हमारे पास कोई सौदा है? बिल्कुल है, फेयल को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। तो अब ये जा रहे फेल को बचाने के लिए और वो अननोन आदमी ही शायद लोके है गाइस। सो दांते को लोके की जरूरत है, इसलिए वो उसकी बेटी फे को बचाएगा। तो चलिए चलते हैं उसके मिशन के लिए। इनको एक एक करके हम सबको हराएंगे और आखिर में हम उस फेयर जो लड़की है उसे हम बचाने वाले हैं गाइस। चलो चलते हैं हमारे मिशन पर। गाइस यहाँ पर जोरदार फाइट हो रही है, हमें एक एक करके सबको खत्म करना होगा, तभी हम हमारी लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं। उस फेयर लड़की को बचाने के लिए हमें हर मॉन्स्टर से लड़ना होगा। फाइनली बड़ा वाला मॉन्स्टर मर गया। अभी इन छोटे छोटे का खात्मा करते हमारे नए दांते के जरिए। गाइस हम मरते मरते बचे। फाइनली हमने यहाँ का सफाया कर दिया है और अब हम खोलेंगे लॉक। हमारी अगली फाइट होने वाली है हेल ग्रेड के साथ।
जो कि बड़े से हथियार के साथ हमसे लड़ेगा। पहले ही दो तो मर जाते, तीसरा भी आ गया। फाइनली उनका सफाया हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले मिशन की ओर। Who's there? Mind if I join? लगता है फ्रैंक यही है। वो कह रहा था वहाँ कौन है, मैं शामिल हो जाऊँ तो बुरा लगेगा क्या? दांते उस आदमी से कह रहा था। ऊपर से तीर फेंकते पहले इनका सफाया कर देते हैं। गाइस वो अपने हाथ पैर को ढाल के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से हमला भी कर रहे हैं। ये आसानी से मरते नहीं, इनकी हेल्थ काफी ज्यादा होती है गाइस। तो हमें इनसे भी फाइट करनी है। सो धमाका। नो, हेल्थ काफी कम हो गई है। ओह नो, हम इससे यस हमने इसे बचा लिया। ब्लास्ट। कोई तो बाकी आ गया।
चलो तो बढ़ते हैं आगे। फिर से एक बार धमाकेदार मुकाबला होने वाला है। जोरदार साउंड और इनका होगा सफाया। तो गाइस सबका सफाया हो चुका है, बढ़ते हैं आगे की ओर। ओ नहीं, इनसे बचते हुए हमें उनको वार करना है। यस, मॉन्स्टर आसानी से नहीं मरते हैं। ओके, है हमारे अगले मिशन की ओर। ये क्या गाइस? सो यहाँ पर कैंडल की नेट है, उस पर हम जंप कर आगे बढ़ना है। ओके ओके, ओ नो गाइस, कोई नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। ओके, बच गए। यस, एक और। ओके, और हम फाइनली ऊपर आ चुके हैं। अब करते हैं अलग अलग मॉन्स्टर डेविल से सामना और बचाते हैं फे को। तो चलिए चलते हैं। ओके, सो हमारी फाइट शुरू हो चुकी है और जोरदार म्यूजिक बजाकर हम इन सब डेविल्स का सफाया करने वाले हैं। ओके, दांते का जोरदार वार और बन गई इनकी चटनी। ओके, लेडी ने किया शूट। ओके, धमाकेदार शॉट। ओके, लास्ट फाइट। ओके, बॉम्ब ब्लास्ट। सभी टेबल्स का हो जाएगा सफाया। ओके, अच्छा तो वहां पर रोजर आया हुआ है, देखते हैं वो क्या कहता है। अच्छा, दांते उससे कह रहा है मुझे लोके मिला। रोजर पूछ रहा है कि क्या वह हमारी मदद के लिए तैयार है। दांते कह रहा है हाँ, लेकिन मुझे पहले उसकी बेटी को बचाना होगा, किसी गधे ने उसे किडनैप किया है। रोजर कहता है कि इसके बारे में बात करते हुए मुझे एक अजीब व्यक्ति का सामना करना पड़ा जो फ्रेंडली नहीं लग रहा था। दांते कहता है यही मेरा लक्ष्य है। रोजर को लगता है कि वह व्यक्ति नौका पर गया था। दांते कहता है ठीक है, मैं मानता हूँ, अब तक मुझे आशा नहीं थी कि आप मेरी सहायता करेंगे। ये कहकर दांते अपने मिशन की ओर बढ़ रहा है। तो ब्रिज नीचे आ चुका है
और बढ़ते हैं अब आगे। जोरदार स्पीड से के जोरदार वार करना होगा इनके ऊपर। ओके गाइस, वो मॉन्स्टर्स क्रिएट कर रहा है, पहले उसे खत्म करना होगा वरना हम मुश्किल में आ जाएंगे। और मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और ये अपना पुराना वाला इतने तीर बरसाता है तो ले तो उसकी चटनी बनाते हैं। चल चल बम ब्लास्ट धमाका। ओ थोड़ा और जोरदार। सबको बारी बारी मारना पड़ रहा है गाइस। बच गए मक्का। गाइस हेल्थ काफी कम हो चुकी है हमारे गोल्डन डांटे की। अब इसका भी सफाया कर देंगे। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो हम अभी शिप में आ चुके हैं, शायद अब हम फे के काफी करीब है। सो गाइस हमें फे दिख रही है। गाइस वो रो रही है। ओ वो अंकल से भी मांग रही है, प्लीज मुझे मत मारिए। फ्रैंक कह रहा है परिवार के खून को अपवित्र नहीं किया जा सकता, नरक में ही अपने मित्र से मिलो। सो यह दांते आकर अब फे को बचाएगा और फ्रैंक की वाट लगने वाली है अब, क्योंकि दांते अब फ्रैंक को नहीं छोड़ेगा। जोरदार फाइट और बचाते हैं फे को। गाइस ये बहुत ज्यादा हम पर ही हमला कर रहा है। नो वेरियल दांते मर चुका है गाइस। अभी ये वाला दांते और लेडी दोनों ही मिलकर इसका सामना करेंगे। Oh!
धमाका, दूर से ही उस पर हमला करना होगा। काफी ज्यादा पावर है इसमें। ओह, शूट कर रहा है गाइस, फ्रैंक शूट कर रहा है। अब लेडी ही एक होप है, दूर से ही उस पर हमला कर सकती है। ओके ब्लास्ट, लेडी की हेल्थ काफी कम हो चुकी है। मुझे लगता है दांते ही करेगा कुछ कमाल। ओके जोरदार वार। ओके माय गॉड, नो 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 नो, लेडी आ जाओ। के दांते ही लड़ेगा अब। के दांते मुसीबत में है, लेडी भी खतरे में है। ये दोनों से उससे खत्म करना थोड़ा मुश्किल होगा है, फिर भी हो। लेडी भी जा चुकी गाइस, हम उसे बचा सकते हैं। यस, हमने उसे बचा लिया लेडी को। अब शायद दांते भी खतरे में है गाइस। हो गया, अब सिर्फ लेडी ही बची है जो उसे खत्म कर सकती है, क्योंकि वेरगिल दांते और हमारा दांते दोनों मर चुके हैं। ओके गाइस, फ्रैंक को चक्कर आ रहे हैं शायद। उसे भी अच्छा खासा डैमेज पहुंच चुका है, पर ये क्या, वो अब तक नहीं मरा है बल्कि और ज्यादा भयानक हो चुका है। सो उससे मुकाबला करने के लिए आया है हमारा नया वेरगिल, जो करेगा उससे मुकाबला। शायद ये अकेला ही इसको खत्म कर दे। उम्मीद तो यही है गाइस, क्योंकि बाकी और कोई नहीं है जो इसे मार सके। सब लोग मर चुके हैं, सो वेरगिल ही अकेला है जो इस चैप्टर 5 को कंप्लीट करने में मदद करेगा और फे को बचाने के लिए भी। सो गाइस, फ्रैंक का खात्मा हो चुका है और यहाँ पे लोकी कह रहा है, आपने अपना काम किया, अब मेरी बारी है। दांते पूछ रहा है फे का क्या होने वाला है, तो लोकी कह रहा है, मैं उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा हूँ, उनके मन में एक सुरक्षित घर है। दांते कह रहा है ठीक है, चलते हैं। इसी तरह हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।